हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इन आवर गार्डनिंग एक्सपीरियंस में। फ्रेंड्स, हमारे यहाँ फिर से सुबह बारिश स्टार्ट हो गई थी और तभी मैंने ये छोटा सा वीडियो लिया था टेरेस गार्डन का। तो इस वीडियो का सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, थोड़ा सा मैं अपने गार्डन का ओवरव्यू दिखाऊंगी और उसके साथ ही कुछ फ्लावरिंग प्लांट दिखाऊंगी। मेरे पास जो भी है थोड़े बहुत प्लांट्स, तो वो कटिंग या सीड से कैसे ग्रो करते हैं वो भी बताऊंगी। फ्रेंड्स, ये है 5 पेटल वाला अपराजिता का प्लांट। ये मैंने लास्ट ईयर ग्रो किया था, छोटे से पॉट में मैंने ग्रो किया था और उसके बाद समर में मैंने इसे बड़े पॉट में ट्रांसफ़र कर दिया है। फ्रेंड्स, ये जो प्लांट है तो सीड के साथ साथ ये कटिंग से भी ग्रो होता है। ऐसी छोटी सी कटिंग हम अगर लगा दें तो बहुत जल्दी से ये ग्रो होने लगती है। हाँ, सभी कटिंग अगर हमें ग्रो करनी हो, कोई सी भी कटिंग अगर हम ग्रो करना चाहते हो तो हमें ये अंदाज़ा चाहिए कि 7-8 दिन, कम से कम 5-6 दिन लगातार बारिश होनी चाहिए। तो नेक्स्ट जो प्लांट है चंपा का, ये बहुत ही इजी टू प्रोपोगेट है फ्रेंड्स। ज़मीन में भी ये बहुत जल्दी से प्रोपोगेट हो जाता है। आप अगर इसे प्रोपोगेट करना चाहते हैं पॉट में तो आप डायरेक्टली इसे कर सकते हैं बड़ी ब्रांच लेके। फ्रेंड्स, मेरे गार्डन में ये हिबिस्कस खिला है, बहुत ही खूबसूरत कलर है। देखिए, ये एकदम कुमकुम कलर वाला है और बहुत खूबसूरत है। उसके साथ बहुत सारी फ्लावरिंग करता है डेली। ये जो मेरा प्लांट है हिबिस्कस का, तो ये देसी वैरायटी का है और गेंदे की साइज़ में है। बहुत गुच्छे से आता है फ्लावर और भरा भरा रहता है। ये प्लांट इतना अच्छा है फ्रेंड्स, ये गर्मी में पूरे दिन धूप में रहता था और मैंने कोई भी यहाँ शेड नहीं डाली थी क्योंकि प्लांट वैसे ज़्यादा नहीं थे। ये आप देख रहे हैं उतने ही प्लांट थे, एक एक प्लांट में बढ़ा रही हूँ। तो हिबिस्कस भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स, ब्रह्म कमल का, तो ये पत्ते की साइज से पत्ता कैसा भी हो, कहीं से भी कट किया गया हो, तो ज़मीन में अगर हम इसे लगा दें तो भी जल्दी से प्रोपोगेट हो जाएगा। ये वाटर में भी इसका प्रोपोगेशन हो जाता है। ये है गैलरडिया। गैलरडिया के बहुत सारे टाइप है फ्रेंड्स। अभी कलिया तो है इस पर, फ्लावरिंग अभी स्टार्ट होने वाली है। 7-8 दिनों में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो इतनी सी छोटी सी कटिंग भी विंटर में भी ये प्रोपोगेट हो जाती है। लगभग फरवरी तक बहुत अच्छे से प्रोपोगेट हो जाती है। अभी तो कुछ बात ही नहीं है क्योंकि रेन चालू है और अगर हम इसे लगा दें छोटी सी कटिंग लेके तो जल्दी से प्रोपोगेट हो जाएगी। ये दोनों भी प्लांट मेरे, देखो कितना छोटा सा प्लांट है, उसके फ्लावर आ गया है एक। तो दोनों भी प्लांट मेरे ये कटिंग से ही ग्रो किए हुए हैं। बहुत जल्दी से ये ग्रो हो जाता है, जल्दी से रूट बना लेता है। और नेक्स्ट जो प्लांट है फ्रेंड्स, ये है देसी वाला गुलाब। और मैंने एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें इसका कलर भी है। अभी ये जो कली है तो ये कल इसकी ब्लूमिंग होगी। तो देसी वाला गुलाब है पिंक कलर का, तो इसकी छोटी सी डंडी भी प्रोपोगेट हो जाती है। बस 7-8 दिनों तक लगातार बारिश होनी चाहिए और सभी कटिंग को हमें रखना है शेड में, अच्छे से लगा के शेड में रखना है। और यही केयर लेनी है कि बस उसे थोड़ा भी हम टच ना करें बारिश के सीज़न में। और देखिए, ये जो प्लांट है कितना खूबसूरत है, इसका फ्लावर और डबल शेडेड है, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी इस सीज़न में तो खिलते ही है गुलाब। ये रेड वाला है, मरून वाला। और मैंने सभी गुलाब DIY किए हुए पॉट में ही लगा दिए हैं। ये पिंक वाला है, हाइब्रिड वाला गुलाब, तो इसकी साइज़ ही बहुत बड़ी थी जब मैंने परचेस किया था नर्सरी से। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मिनी चांदनी, तो ये इसका भी प्रोपोगेशन बहुत जल्दी से हो जाता है। छोटी सी डंडी इसकी प्रोपोगेट हो जाती है और इसके जो भी टाइप है वो भी बहुत जल्दी से प्रोपोगेट हो जाते हैं फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, ये है 5 पेटल वाला देसी हिबिस्कस।
इसकी जो कटिंग है बहुत पतली सी कटिंग भी बहुत जल्दी से प्रोपोगेट हो जाती है रेनी सीजन में। तो ये मैंने लास्ट ईयर ग्रो की थी और ये छोटे से पॉट में है। अगर मैं चाहूँ तो नेक्स्ट ईयर इसे चेंज कर सकती हूँ। और मोगरा जो है ये भी मैंने कटिंग से ही ग्रो किया हुआ है लास्ट ईयर। अभी इस मंथ में मैंने इसे रिपॉट किया है, बस मिट्टी चेंज की है और रूट की कटिंग की है, तो फिर से इसकी जो ब्रांचेस है नई नई ब्रांचेस निकल गए। तो फ्रेंड्स ये थे मेरे छोटे से टेरेस गार्डन के फ्लावरिंग प्लांट्स, जो छोटी सी कटिंग से भी इन दिनों में बारिश के सीज़न में बहुत जल्दी से प्रोपोगेट हो जाते हैं और आप भी इसे बहुत ही ईजी तरीके से लगा सकते हैं। और फ्रेंड्स इसके बारे में डिटेल वीडियो दो चार दिनों में आ जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, बाय बाय एंड हैप्पी गार्डन।